जेठालाल। अरे जेठालाल, ओ भाई, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम रुक भी नहीं रहे हो, सुन भी नहीं रहे हो। क्या है? ये मैंने तुम्हारी दुकान से ये मोबाइल खरीदा था ना, और उसके साथ ये कवर भी तुम्हारी दुकान से ही खरीदा था, तो ये मोबाइल के कवर की सिलाई जरा निकल गई है। क्या हूँ? ओ भाई हूँ। क्या क्या हूँ क्या? ये मोबाइल का कवर तुम्हारी दुकान से खरीदा है, इसका क्या करना है उसका जवाब दो। तुम व्यापारी लोगों का ऐसा ही है, एक बार माल बेच दिया, पैसा अंदर किया, आगे उसके बाद पोपटलाल, मोबाइल की वारंटी होती है, मोबाइल के कवर की नहीं। फिर भी कल दुकान आना, दूसरा कवर दे दूंगा भाई। ये जेठालाल, मेहरबानी कर रहे हो वैसे बात मत करो। तुम्हारी दुकान से लिए हुए मोबाइल का कवर अगर खराब निकला है ना, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नया कवर मुझे लाकर दो। नया दुकान नहीं आने वाला। जेठालाल बाहर निकलो, बाहर निकलो जेठालाल। काय झालं, काय ओरडतो यार? अरे मैं कहता हूँ बाहर निकलो जेठालाल, बाहर निकलो। पोपटलाल शांति। अरे शांति तुम रखो, मेरे बेजुबान छाते पर जानलेवा हमला हुआ है, आज मैं पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को हिला दूंगा। चूहे की तरह घर में छुप के क्या बैठे हो? अरे हिम्मत है तो बाहर आओ, निकलो बाहर। ये पोपट भाई आपको ऐसे क्यों बुला रहे हैं? ये ऐसे नहीं मानेगा। अरे ओ जेठालाल, अरे हिम्मत है तो बाहर आओ। पोपटलाल क्या चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? यार तुम जानते नहीं हो मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे जैसे सीधे साधे पत्रकार के साथ गोकुलधाम सोसाइटी में गुंडागिरी हुई है। काय बोलते हो यार? यार चिल्लाना बंद करे पोपटलाल। नहीं करूंगा। सुनो 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 गोकुलधाम वासियों, इस पत्थर दिल जेठालाल ने मेरे बेजुबान निर्दोष भोले भाले छाते की हत्या की है। उसने मेरे छाते को तोड़ दिया। अभी तो सिर्फ तेरे छाते को तोड़ा है, दूसरी बार तुझे तोड़ दूंगा। अरे जेठालाल मुझे तोड़ते तो एक बार के लिए चल जाता, लेकिन मेरे छाते के साथ ये सुलूक मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। अरे पहले अपना वजन भारी कर, 40 किलो वजन या 400 किलो का गुस्सा कर रहे। जेठालाल अपनी जुबान को लगाम दो। टप्पू के पापा आप शांत रहिए। अरे तू शांत रहे। अरे पप्पू की हो गया, अब पुरानी गड्डी की तरह क्यों जोर जोर के छोले खा रहे यार? सोरी, इस जेठालाल ने मेरे छाते को तोड़ दिया। अरे जेठालाल अब तो इस गोकुलधाम सोसाइटी में रहना ही कैंसिल करना होगा। अरे अरे आज मैं पूरी सोसाइटी के सामने ये ऐलान करता हूँ कि मैं आज से बल्कि इसी वक्त से मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते कैंसिल करता हूँ। और तुमसे बात तक नहीं करूँगा। ये बोला है तभी याद रखना जिंदगी भर, आइंदा कभी भी मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैं तुझे कैंसिल कर दूंगा। अरे बेटा अंदर जा। अरे बाबूजी यार। बेटा जा बाबा जा 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 अंदर जा। चलिए
जेठालाल ने बहुत गलत किया है। क्यों आत्माराम? हाँ, जेठालाल को ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जेठालाल को जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। अब वो छाटना है यार, तेरा छाता ही तो टूटा और शुक्र है आपका कि तू सही सलामत है। सोनित, अगर तेरे गोगी को गैलरी से नीचे फेंक दे तो तू क्या करेगा? ओए पप्पू, मैं उसको उल्टा लटका के मार मार के उसका भुर्ता बना दूंगा। ये भैया, तो क्या तू याद पर मेरी बात को छोड़ रहा है? तू शांति से बैठना यार। सोनी, कैसे शांत रहू? सोनी कैसे शांत रहू? सिर्फ गोगी के बारे में सुन के तुझे ऐसा लग रहा है तो मेरे छाते के साथ तो मेरी आंखों के सामने ये सुलूक हुआ है। नहीं, मैं कभी शांत नहीं रह सकता।